नमस्कार। आज फेस टू फेस में हमारे साथ मौजूद हैं विशेष मेहमान के तौर पे भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह, जिनकी दीवानी पूरी भोजपुरी दुनिया है, जो आज उभरते हुए भोजपुरी स्टार कहे जा सकते हैं, जिन्होंने हालांकि संघर्ष उनका 20 साल का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उन्होंने भोजपुरी बोलने वालों के दिलों पर कब्जा किया है, निश्चित रूप से उनका बहुत उज्ज्वल भविष्य है भोजपुरी संसार में। आज उनसे भोजपुरी फिल्मी दुनिया, भोजपुरी जो भाषा है उसका क्या भविष्य है, इन सारे मुद्दों पे गंभीरता से गहनता से बात करेंगे। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं पवन सिंह के पास। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। आप भोजपुरी स्टार कहे जाते हैं, हालांकि उसके पीछे मैं देख रहा था 97 से आप इस लाइन में आए हैं भोजपुरी दुनिया में। 20 साल का जो संघर्ष है वो आज आपको एक सुपर स्टार के तौर पर स्थापित कर चुका है। किस तरह से आपका भोजपुरी, पहले आप पार्श्व गायक थे, फिर आप अभिनेता भी बने और आज आप फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से आना हुआ इस जी? आपका बड़प्पन है। और मैं देखिए, मुझे सिर्फ इतना ही आता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि स्टार होता क्या है। मैं जो कुछ भी हूँ अपने श्रोता के आशीर्वाद हूँ। और हमको 25 साल से हम गाना गा रहे हैं और 10-11 साल से आदमी एक्टिंग लाइन में है, तो मेरे लिए श्रोता मेरा भगवान है। और मुझे सिर्फ ये है कि मुझे मेहनत करना है और श्रोता मुझे आशीर्वाद देते जाए। आप पहले गायक थे, फिर कैसे आप वैसे जो पार्श्व गायक होता है, जो बैकग्राउंड सिंगर होता है, बहुत कम ऐसा होता है बॉलीवुड में भी कि वो आ जाए अभिनय के क्षेत्र में, आ जाए और अभिनय के क्षेत्र में आ ही ना जाए बल्कि छा जाए। जो आपकी स्थिति है, हम लोग देखते रहते हैं कि आज आप भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा चेहरा है, तो किस तरह से आपका अभिनय के क्षेत्र में कैसे रुझान हुआ? मैं जबकि आप गायक भी बहुत बड़े थे। अरे बाप रे बाप। मैं वेव कंपनी में गाना गाता था और उस कंपनी का और मेरा लक, जब से हम वेव कंपनी ज्वाइन किए हैं आज भी हम वेव कंपनी से ही गाना गाते हैं और भोजपुरी की नंबर वन कंपनी है। उस टाइम एक दुखद समाचार है कि उस टाइम हमारे भाई गौतम जी वेव कंपनी के ऑनर थे, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरा भाई अमर है, हमेशा अमर रहेगा, बहुत अच्छा इंसान। बस वही कंपनी का मेरा लग साथ देते गया गायकी का, तो मैंने मजाक में ही ऐसे बोला कि भैया एक फिल्म बनाते हैं, क्योंकि मुझे उनसे कंपनी के मालिक का रिश्ता नहीं था, हम लोग दोनों भाई थे। तो बोले ठीक है भाई, बनाते हैं फिल्म। तो उसी टाइम भैया ने फिल्म बनाया रंगली चुनरिया तोहरे नाम। फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बस वही मेरा एंट्री है फिल्मी दुनिया में। तो ये जो भोजपुरी सिनेमा है, क्योंकि आप भोजपुरी सिनेमा में स्थापित हो गए, बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि भोजपुरी सिनेमा में जब या किसी भी एक क्षेत्रीय सिनेमा में लोगों का बड़ा चेहरा होता है फिर वो बॉलीवुड की ओर भागते हैं, जबकि भी आज तक आपका कोई ऐसा रुझान देखा नहीं गया है, तो क्या आगे कोई भविष्य की योजना है कि आप भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड में भी अपने प्रतिभा को आजमाएं? देखिए क्या है कि माँ माँ होती है, कोई भी पद हासिल आदमी कर ले, किसी भी भाषा में आदमी जाके काम करे, लेकिन अगर हम कहीं भी बैठेंगे तो मेरा परिचय यही होगा कि मैं बिहार से हूं और ये आर्टिस्ट जो ये सेट पे बैठा है ये भोजपुरी स्टार है, भोजपुरी कलाकार है, तो भोजपुरी मेरी माँ है। मुझे इंसान दुनिया में देखिए कौन नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ें, बहुत सा आदमी शो करता है इंडिया में, इंडिया के बाहर, जैसे लंदन में इस बार जो अवार्ड फंक्शन हुआ भोजपुरी का पहली बार, उसमें मुझे श्रोता के आशीर्वाद से, आप लोगों के दुलार से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। तो मैं तो मंच पे यही बोलता हूँ कि इस अवार्ड के हकदार हम नहीं हैं, मेरा श्रोता है जो मेरे लिए भगवान है, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आदमी कहीं भी जाके बैठेगा, हर जगह आदमी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि ऑफर नहीं आता है, हर जगह से ऑफर आता है, लेकिन मैं भोजपुरी से खुश हूँ, भोजपुरी मेरी माँ है, भोजपुरी से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। इसमें कितना भविष्य देखते हैं? और ये अभी भी भोजपुरी सिनेमा
बॉलीवुड की तरह इंडस्ट्री की भूमिका में नहीं आ पाई है। दूसरा आरोप लगता है कि भोजपुरी सिनेमा में जो संवाद होते हैं, जो गीत होते हैं, वो बहुत अश्लील होते हैं, उन्हें परिवार के साथ बैठ के सुना नहीं जा सकता है। तो इसमें इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, और उसमें वास्तविकता क्या है? देखिए क्या है ना, अच्छाई बुराई हर जगह है, ऐसा नहीं है किसी के बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते कलाकार होने के नाते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि थोड़ी सी कमियां हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सब मिला जुला के यही एक ये निकलता है कि और भाषा की फिल्में जो हैं दिखा के बदनाम नहीं है, भोजपुरी सिर्फ सुना के बदनाम है। अगर कान में म्यूजिक आया और साउंड आया तो गाने का बोल जो कान में आ रहा है, कुछ गंदा शब्द अगर कान में आता है, डबल मीनिंग कहीं अगर हद ही पार हो जाए, तो कौन सा आदमी अपने बहन को, अपने बेटी को, अपने पत्नी को लेकर सिनेमा हॉल में जाएगा? तो ये कमियां हैं, इसको सुधारने के लिए थोड़ा सा हम भोजपुरी कलाकारों को एक होना पड़ेगा। तो इस तरह का कोई प्रयास चल रहा है भोजपुरी जगत में, इन सब मुद्दों पे गहन चर्चा हो और इसमें जो कमियां हैं उसे दूर किया जा सके, जो ये आरोप लगता है अश्लीलता का, वल्गरिटी का, द्व्यर्थी संवादों का, इन सबसे इस इंडस्ट्री को और परिमार्जित करने के लिए कोई प्रयास चल रहा है? शुरू से यही भोजपुरी में ये रहा है, भोजपुरी में शुरू से ही एकता की कमी बा। जैसे होला ना कि हम हैं, कुछ करना चाह रहे हैं कि ऐसा किया जाए, तो यहाँ खींचने वाले बहुत हैं। लेकिन फिर भी मेरा हमेशा से कोशिश रहा है और हमेशा कोशिश रहेगा, एक कलाकार होने के नाते हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन भोजपुरी की अच्छाई के लिए, भोजपुरी के विकास के लिए अगर पवन सिंह को कहीं भी ढूंढा जाएगा तो मैं सबसे पहले मिलूंगा। तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्टिक, ऐसे गाने जब आप गा के अपने क्लोज परिवार में जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं, भाभी हैं, माँ है, बहन है, बुआ है, तमाम जो महिला रिश्तेदार हैं उनसे मिलते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्टिक, जिला टॉप लागे लू, कमरिया करे लापालप, लॉली पॉप लागे लू, इसको आप अश्लील नहीं बोल सकते हैं, या इसको ऐसा नहीं है कि आप परिवार में नहीं बजा सकते हैं, ये फैमिली में बजने वाला गाना है। अगर ये फैमिली में बजने वाला गाना नहीं होता तो 10 साल से रन नहीं करता। आज के डेट में जो गाना सुपरहिट होता भी है तो बस 1 साल, 6 महीना, 1.5 साल, दूसरे साल वो गाना याद नहीं रहता है। आज तो 10 साल से बज रहा है। हाँ, ये इसका एक न्यूज ABP चैनल पे भी आया था, आधे घंटे का न्यूज बना था सिर्फ इस गाने को लेके कि इस सदी का सबसे बड़ा गाना है ये, इससे बड़ा गाना कोई नहीं है, क्योंकि 10 साल के बाद भी इस गाने का जो ओहदा है ऐसे नहीं हो रहा है, वो और बढ़ते ही जा रहा है। ये गीत जब आपके सामने आया और जब आपको ये कहा गया कि इसे गाना है, तो आप कैसा लगा आपको? आपको ये उम्मीद थी कि ये गाना इतना लोकप्रिय होगा कि 10 साल तक ये लोगों के दिलों पर राज करेगा? इतना उम्मीद, देखिए मैं हर जगह बोलता हूँ, मेरा ये कमी कहिए या खूबी कहिए, भैया मैं जो कुछ भी हूँ मैं डंके के चोट पे हूँ, मुझे झूठ नहीं आता है ना, झूठ सच में, झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरी कमी भी जो है वो मैं खुल के बोलता हूँ कि भैया ये मेरे अंदर कमी है। जब ये गाना रिलीज हुआ था, मुझे एक ट्यून पसंद आया तो हम अपने राइटर जाहिद अख्तर को बोले कि भाई एक गाना ऐसा लिखो जिसमें हर जगह का नाम आए, आरा, छपरा, बलिया, मोहनिया, मतलब जितना जो भोजपुरी अंचल है, जो रिप्रेजेंट करते हैं भोजपुरी को, हाँ, वो सारे स्थान आए। तो हम गोरखपुर में गए थे, गोरखपुर मेरा एक शो था, उसी दरमियान ये कैसेट, उस टाइम कैसेट का जमाना था, मैं तो खूब खुश था कि भोजपुरी में पहली बार मैं ऐसा म्यूजिक बनवाया हूँ, उस टाइम के लिए बहुत झिकझाक म्यूजिक था, वो नया खोज था उस टाइम के लिए, मैं तो बार बार उसको प्ले करके सुन रहा था। तो हमारे म्यूजिशियन जो है वो 4-5 साल पहले मुंबई में हम रिकॉर्डिंग में बुलाए थे, तो वो सब चर्चा करने लगे
कि जब आप पूछे ना कि भाई कैसा लग रहा है गाना, ये मेरा नया खोज कैसा लग रहा है, तो वो सब बोले गया बक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अंग्रेजी गाना गाए हैं, नहीं चलेगा। लेकिन देखिए यही होता है किस्मत। और वाकई में लॉलीपॉप लागेली जो एल्बम रिलीज हुआ था वो मार्केट में रिलीज होते ही सुपरहिट नहीं था, वो अचानक से बूम किया। बस तो मुझे लगता है भोजपुरी का जो चार्टबस्टर था ऐतिहासिक गाना कि आरा हिले बलिया हिले छपरा हिले लाए, उसके बाद ये आपका गाना उसका जो वैक्यूम था उसको फुलफिल किया है। और वो भी गाना बहुत लंबे समय तक बजा, आज भी भोजपुरी समाज में बहुत लोकप्रिय है। तो उस वैक्यूम को पवन सिंह की इस खोज ने भर दिया है, जिसको पवन सिंह की उम्मीद भी नहीं थी। भोजपुरी जो क्षेत्र है, जो भोजपुरी जगत है, इसमें रोजगार का कितना चांस आप देखते हैं? फिल्म जगत में हो, साहित्य में हो, या अन्य दृष्टि से भी आप कितना देखते हैं? क्योंकि आपका भोजपुरी जगत से बहुत गहरा नाता है। भोजपुरी बोलने वाला जो व्यक्ति है, कहते हैं भाषा जो रोजगार से जुड़ जाए तो उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए अंग्रेजी आज लोगों के दिलों पर राज करती है, क्योंकि अंग्रेजी रोजगार पैदा करती है पूरी दुनिया में। तो भोजपुरी में आप कितना भविष्य देखते हैं? देखिए क्या है कि भोजपुरी के जहाँ तक बात आवता, भोजपुरी के जितना विकास होके, भोजपुरी के भविष्य जितना उज्जवल होके, ऐसे बड़ खुशी है वो कलाकार खाते कुछ हो ही नहीं कह सकत। और जहाँ तक कि जब हमारे यहाँ चर्चाएँ कभी कभी चल रही हैं या चर्चाएँ हो रही हैं यूपी में फिल्म सिटी बनाने का या बिहार में फिल्म सिटी बनाने का, तो आदमी बात जब मिलन होता है तो आदमी बातों का शुरुआत करता है। और अब श्रोता के ही आशीर्वाद से ऐसा समय हो गया है कि आदमी को टाइम पे हम लोगों को खुद ही भोजन नहीं मिल पा रहा है। सुबह का खाना पता चलता है कि नाश्ता शाम को हो रहा है, नाश्ता के टाइम में हम लोग सुबह में खाना खा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी जैसे भी समय मिलता है हम लोग बात करते हैं, और हम लोग बात ज़रूर करेंगे। जैसे एक काम हमने अभी स्टार्ट करवाया, जैसे नए नए लड़के हैं गाना गाते हैं, सबके पास बजट नहीं है दिल्ली और मुंबई जाके रिकॉर्डिंग कराने का, तो वेव कंपनी का जो एक ब्रांच जो है ना वो मैंने पटना में ओपन करवाया। मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं दीपक सिंह जी, तो दीपक सिंह जी के जरिए मतलब एक ब्रांच पटना में ये किया गया है कि जिसका बजट नहीं है दिल्ली और मुंबई जाने का, जो न्यू कमर से उनको वो आप पटना में आइए, रिकॉर्डिंग करिए, कम खर्चे में रिकॉर्डिंग करिए, और उसी कंपनी से रिलीज होगा जो भोजपुरी की नंबर वन कंपनी है, ताकि हमारे नए नए जितने बच्चे हैं गाना गा रहे हैं या एक्टिंग का शौक है, सिंगिंग हिट हुई तब एक्टर बनना ही बनना है, और फिल्म सिटी भी बन जाए तो चार चांद लग जाए, बहुत सारे भाइयों को रोजगार मिलेगा। भोजपुरी जगत में मनोज तिवारी एक बहुत चर्चित और लोकप्रिय नाम हुआ करते थे, और आज वो राजनीति में हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टी के प्रमुख चेहरों में शुमार हैं, दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पे पवन सिंह भी चलते हुए आज भाजपा के सदस्य हो चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि हालांकि मनोज तिवारी जहां बैठे वहां जाके भोजपुरी के लिए कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ दिखता नहीं, पवन सिंह की क्या योजना है कि जिस भाषा ने उनको इस सम्मान को इस सम्मान तक पहुंचाया, उनके रोजगार का साधन बना, आज आप हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उस भाषा के लिए आप क्या करने वाले, जबकि आपकी पार्टी सत्ता में है, केंद्र में और तमाम भारत के आधे से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, आप उसके सदस्य हैं, तो क्या करेंगे आप जा करके? देखिए क्या है ना, बहुत कुछ बोला नहीं जाता है, समय समय होता है। आज इस स्कूल के जो मालिक हैं हमारे गार्जियन सामने दिख रहे हैं आर के सिन्हा जी, यही हमको चाचा ही हमको ज्वाइन करवाए दिल्ली में, बहुत ही अच्छा लगा, दिल गदगद हो गया जो चाचा की वजह से मुझे सम्मान मिला। तो हम तो एक कलाकार हैं, और भैया
हमारे गुरु हमारे चाचा जी श्री अजीत सिंह जी, बहुत स्ट्रगल बहुत किया हूँ, संघर्ष बहुत किया हूँ, और संघर्ष तो ज़िंदगी भर करना है और ज़िंदगी भर सीखना है, कुछ नहीं आता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को। तो ये समय बताएगा कि हम कब कहाँ किस पद पे कहाँ किस लाइन में रहेंगे, तो मेरा सोच क्या है और मैं क्या करूँगा वो समय बताएगा। अच्छी बात है पवन जी, आप कुछ अपने समाज के लिए अपनी भाषा के लिए करेंगे ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। फिल्मी दुनिया में आजकल कास्टिंग काउच बहुत चर्चा में है। हमने वो समय देखा है, हमने वो तकलीफ को, मतलब तकलीफ हमारे अपने शरीर पे मतलब गुजरा है। तो इतना जरूर है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम अच्छे हैं, ये कहने की हमारी कोई ये नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि हमको किसी का दुख देखा नहीं जाता है। बाकी सब करते तो सब भगवान है, इंसान एक जरिया होता है। ये जो मानवता का जो जज्बा है आपके अंदर, इसको ईश्वर बनाए रखें। फिल्म जगत में कास्टिंग काउच आजकल बहुत चर्चाओं में है। अभी आपने देखा होगा साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने, एक फिल्म स्टार ने इस मुद्दे को उठाया है, तमिलनाडु की हैं, और वहाँ पर बहुत तेज़ी से इसके खिलाफ एक माहौल बन रहा है कि फिल्मों में जो कास्टिंग काउच होता है और जो न्यू कमर्स आते हैं उनका आर्थिक शोषण, उनका शारीरिक शोषण, इस तरह का जो चीज़ें हैं ये आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में भी देखने को मिलती है और बॉलीवुड में भी देखने को मिलती है, लेकिन इस पर बहस तो होती है लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आता है। तो आप कितना सही मानते हैं कि ये जो आरोप है कितना सही है कि फिल्मों में कास्टिंग काउच होता है? एक बात देखिए, हमको ये समझ में आता है, एक तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे कम पढ़ा लिखा आर्टिस्ट मैं ही हूँ, लेकिन हूँ जो भी हूँ सो हूँ। अगर हमको सही रहना है, अगर आप हम पे भरोसा करते हैं या हम आप पे भरोसा करते हैं, तो आपको सही रहना है तो आप जहन्नुम में भी सही रह के आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी है कि ये जो समय है, ये जो अपनी दुनिया है, कहाँ तक क्या करिएगा। अब हम भी एक कलाकार होने के नाते क्लियर और फटाक से कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आदमी खुद को ये करे, खुद को ये समझे कि नहीं मैं हूँ, मुझे संघर्ष करके, मुझे मेहनत करके उस मंजिल को पाना है। खैर, हालांकि इस लाइन में इसके ऊंचाई का कोई हद नहीं है, इसका अंत ही नहीं है, लेकिन फिर भी, और मैंने पहले भी बोला कि देखिए अच्छाई और बुराई हर जगह है, ऐसा नहीं है। तो संख्या कहाँ का बा, कहाँ कितना बा, कहाँ का नहीं खे, और बदनामी और नाम ये तो चलते ही रहता है, लेकिन इसमें सुधार होना चाहिए। और हर किसी को, वो मेल एक्टर हो या फीमेल एक्ट्रेस हो, सोचना चाहिए कि हम मेहनत करके वहां पहुंचे। बहुत जल्दी अचानक से जो छत पे चढ़ता है ना, वो फटाक से गिरता भी है, लेकिन सीढ़ी बाई सीढ़ी जो चढ़ता है ना भैया, वो सीढ़ी बाई सीढ़ी ही उतरता है। और जहां तक भोजपुरी की बात है, मैंने बोला ना कि और भाषा की फिल्में दिखा के बदनाम नहीं है, लेकिन भोजपुरी सिर्फ और सिर्फ सुना के बदनाम है। तो जहां तक मैं फिल्में अभी भोजपुरी का देखा या देख रहा हूं या जो चल रहा है, इतना है कि हमारी भोजपुरी की जो भी सुपरस्टार हीरोइन बा, वो कायदा का ही कपड़ा पहनती हैं लोग। आप देश विदेश में फिल्मों की शूटिंग करते हैं, पिछले 10 दिनों से आप उत्तराखंड में हैं, कैसा लगा उत्तराखंड का माहौल? क्योंकि ये नया राज्य है, फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो आपको क्या संभावना दिखती है इस राज्य में फिल्मों को लेकर के क्या संभावना है? मैं पहली बार इस फिल्म का शूटिंग कर रहा हूँ इधर उत्तराखंड में। इस फिल्म का नाम है मैंने उनको सजन चुन लिया, और अपने चाचा जी के स्कूल में ही हम शूट कर रहे हैं। आज 3-4 दिन और शूटिंग की है। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो माहौल है, ये जो देखने को मिल रहा है, ये पहाड़,
बहुत ही सुंदर लगा था। यहाँ बीजेपी की सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इस राज्य में फिल्म के निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए बहुत गंभीर हैं। उन्होंने इस राज्य में, आपको सुन के अच्छा लगेगा, कि फिल्म की शूटिंग पे कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, इसका एक जियो किया है, सारे शुल्क माफ़ कर, कोई टैक्स नहीं है, आप आइए और फिल्म की शूटिंग करिए फ्री ऑफ कास्ट। तो ये इस राज्य में फिल्म के विकास में कितना योगदान देगा, और अगर आप मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो क्या डिमांड करेंगे आप, और कोई योजना है मिलने की कि नहीं? ये अहोभाग्य अगर ऐसा विचार है तो हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी से ज़रूर मिलेंगे, और ऐसी उनकी इतनी अच्छी सोच है फिल्मों को लेके कि शूटिंग ऐसे तरीके से होगा यहाँ पे, या हम उनके उनके मतलब देख रेख में अगर काम हो और कहीं शूटिंग का कोई चार्ज ना लगे तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और ऐसा है तो बिल्कुल हम मिलेंगे। पवन जी, बहुत सारी हमने बातें की, अब आते हैं थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कहाँ के रहने वाले हैं, कितनी पढ़ाई लिखाई की, और किस तरह से फिल्मों में आना हुआ, और क्या उद्देश्य है, कहाँ तक की यात्रा करना आप सोच रहे हैं? यहाँ कहाँ तक का यात्रा करना बोला ना, इसका कोई हद नहीं है, यहाँ इसके ऊंचाई का कोई लिमिट नहीं है। मैं 6 साल की उम्र में ही पहला शो किया था, और हमसे पहले हमारे चाचा जी गाते थे, जब उनको पता चला कि मेरा बेटा गाने लगा गा रहा है तो अपना गायकी छोड़ दिए, कि जब बेटा ही गाने लगा तो हम क्या गाएंगे, और वो हमको सिखाने लगे मेहनत, संघर्ष, स्ट्रगल। साइकिल पे चाचा हमको लेके जाते थे शो कराने के लिए। अचानक एक शो फाइनल किए चाचा हमारे, उस शो में हमको 1 घंटा गाने का मौका मिला था, डाल्टेनगंज का नाम सुने होंगे, पलामू डिस्ट्रिक्ट, पलामू जिला, वहीं पे एसपी साहब की विदाई थी और एक जन की आगमन थी, पूरे परिवार के साथ लोग बैठा था, और कोई म्यूजिशियन भी हमारा नहीं था उस दिन, सिर्फ हारमोनियम पे हम गा रहे थे और एक तबला या ढोल। जब गाना स्टार्ट किए, क्योंकि उस फंक्शन में बहुत सारा आर्टिस्ट लोग आए थे कि 1 घंटा इनका चलेगा, 1 घंटा इनका चलेगा, 2 घंटा उनका चलेगा, लेकिन जब हम मेरा जब नंबर आया, जब हम गाना स्टार्ट किए, तो सबका कहना यही हुआ कि किसी का शो नहीं होगा, जो ये बच्चा गा रहा है यही गाएगा। और मैं रात भर गाना गाया। 3-4 साल के बाद पता चला कि पवन सिंह का एक एल्बम हम लोग सुने हैं बस में, तो हम लोग बोले कि एल्बम कहीं हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से आप लोग सुन ली है? नहीं, सुने हैं। ओढ़निया वाली के नाम से वो एल्बम रिलीज किया था, जो साउंड रिकॉर्डिस्ट साउंड वाला गया था जो उस मंच पे आया। 3-4 साल के बाद जब कैसेट सुपर हिट हो गया तो मेरे घर पे आया, बोला कि सब लोग आते थे, बोलते थे कि थोड़ा लइकवा के कैसेट दा, लइकवा के कैसेट दा। तो हमारे बगल के दुकान वाला हमको सलाह दिया कि जब इतना डिमांड है तो इसको रिलीज कर दो। वो दिल्ली गया, उसको मास्टर बना के ओढ़निया वाली के नाम से रिलीज कर दिया, कैसेट सुपर हिट हो गया। यही हमारी कहानी है। जब कैसेट सुपर हिट हो गया तो हम और भी कंपनियों में गाना गाए, लेकिन लगातार कुछ साल में टी सीरीज में गाना गाया। वहीं से अपना टी सीरीज जब हम छोड़े तो फिर वेव में एंटर किए, अभी तक वेव में ही हूँ, और वेव से ही फिल्मी दुनिया का सफ़र चालू हुआ मेरा, और मैं आज के डेट में जो कुछ भी हूँ आप सबका आशीर्वाद। अपना ऑलवेज टाइम, वो कहते सदा बहार गीत, तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए 2-4 लाइनें। बिल्कुल, वो नहीं सुनाएंगे तो हमारे श्रोता गुस्सा जाएंगे मेरे पे, सॉरी। अरे तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हिले लायारा डिस्टिक, तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हिले लायारा डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू,
कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलु। बहुत बढ़िया। अंतिम सवाल है पवन जी, आपने बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष का परिणाम है कि आप आज एक सफल अभिनेता के तौर पर स्थापित हैं, एक स्टेज पे हैं, एक मुकाम पे हैं। आपको अपने इस संघर्ष का श्रेय चंद लाइनों में देना हो, आपकी सफलता का श्रेय देना हो तो किसे देना चाहेंगे? मेरे चाचा जी, इंसान के रूप में मेरे लिए भगवान है, क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ तो अपने चाचा के वजह से हूँ। इस लाइन में आखिर वही ना लाया, ठीक है हम मेहनत से यहाँ पहुँचे या भाग्य से किस्मत से यहाँ पहुँचे, लेकिन इस लाइन में ला के रखे तो हमारे चाचा जी, हमारे दर्शक मेरे लिए भगवान है। यूथ इंडिया, यूथ पवन सिंह, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा एक कलाकार होने के नाते कि हमारे हिंदुस्तान में अच्छा माहौल बनल रहे, एक दूसरे में प्रेम रहे, सब कोई खुश रहे एक दूसरे से, और ये आपका भाई बस मेहनत अपना और बढ़ाते जाए और आप लोगों का आशीर्वाद भी और मेरे ऊपर बढ़ते जाए। जय माता दी, जय भोजपुरिया समाज। आप हमारे शो में आए, हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने जीवन के जो अनुभव है उसे शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भोजपुरी फिल्म जगत के स्टार पवन सिंह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से, बड़ी ईमानदारी से अपने जीवन के अनुभव, अपने संघर्ष की जो कहानियां हैं उसे सुनाया हमारे दर्शकों के साथ। अगले सप्ताह मिलेंगे ऐसे किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहिए साधना प्लस।